चंद्र ग्रहण का सबसे ज़्यादा प्रभाव चंद्रमा के ग्रहण योग वालों पर पड़ता है। बता दें आपको कि ज्योतिषाचार्य के अनुसार चंद्रमा का ग्रहण योग क्या होता है और ये व्यक्ति को किस तरीके से प्रभावित कर सकता है, चलिए बताते हैं आपको। कुंडली में यदि चंद्रमा और राहु का संबंध हो तो इससे चंद्र ग्रहण योग बनता है। जी हाँ, इससे चंद्र ग्रहण योग बन जाता है। सूर्य का ग्रहण योग जहाँ मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और सामाजिक मान्यता पर असर डालता है, वहीं चंद्रमा का ग्रहण योग व्यक्ति पर मानसिक रूप से असर डालता है। हालांकि छोटे छोटे उपाय करके इस ग्रहण योग को काबू में किया जा सकता है। चंद्रमा को मन का कारक कहा जाता है और राहु इसको दूषित कर देता है, यानी इसके प्रभाव से मन और सोच दूषित हो जाते हैं। ज़्यादातर मामलों में अगर चंद्रमा और राहु अगर कुंडली में हैं तो व्यक्ति को काल्पनिक और मानसिक समस्याएं परेशान करने लगती हैं। चंद्रमा और राहु के योग से व्यक्ति के मन में कई काल्पनिक ख्याल आने लगते हैं, जैसे कि मुझे जॉब से निकाल ना दिया जाए। कई तरह की बातें होती हैं, कई तरह के ऐसे लोगों को बीमारियों का भी वहम होता है। ये किसी भी सेहत से जुड़ी छोटी मोटी समस्या को बहुत गंभीर मानने लगते हैं, जो वास्तव में नहीं होती है। कुंडली में चंद्रमा और राहु का योग हो तो बुरे बुरे सपने भी आते हैं और नींद में समस्या होने लगती है। इस योग के शादीशुदा लोगों में जीवन साथी को लेकर शक और वहम पैदा होने लगता है। चलिए बताते हैं कि उपाय क्या करें। बता दें आपको कि यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा और राहु का योग है तो नियमित रूप से भगवान शिव की उपासना करें। सुबह शाम शिव के मंत्रों का जाप करें। सोमवार के दिन भगवान शिव को जल अर्पित करें। सोमवार के दिन भगवान शिव को खीर का भोग लगाएं और प्रसाद के तौर पर इसे खुद ग्रहण करें। बता दें आपको कि ऐसा करने से चंद्रमा के ग्रहण योग का असर काफ़ी हद तक कम हो जाता है। इसके अलावा पूर्णिमा का उपवास रखना भी फायदेमंद होता है। इस दिन सिर्फ जल आहार लेने से फायदा होता है। बता दें आपको कि एक व्हाइट चंदन का छोटा सा टुकड़ा ले लें और उसे नीले धागे में लपेट लें। आप इसे बांध कर शनिवार के दिन अपने गले में धारण कर लें। इससे भी राहु और चंद्रमा का नकारात्मक प्रभाव काफ़ी हद तक कम हो जाता है। बता दें आपको कि चंद्र ग्रहण योग हो तो ऐसी दशा में सलाह देकर एक पन्ना पहनना चाहिए। पन्ना पहनना बहुत अच्छा होता है, लेकिन ये किसी जानकार ज्योतिष की सलाह लेने के बाद ही धारण करना चाहिए। इस योग वालों को भूलकर भी मोती नहीं पहनना चाहिए, वरना आप पर इसका उल्टा प्रभाव पड़ सकता है। बता दें आपको कि हमें पूरी जानकारी वेबसाइट्स और अन्य जगहों से प्राप्त हुई है। जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। नेक्स्ट श्राइन स्पिरिचुअल रिपोर्ट।